Hello everyone, welcome to pharmacy class. I am Vishal and today we will going to understand the mechanism of penicillin or mechanism of action of beta lactam antibiotic. Jaise ki aapka penicillin, cephalosporin wo aa jate hain, to hum penicillin as a antibiotic usko samajhte hain. Uske pehle hum samajhte hain ki penicillin jo hai wo kaise bacterial cell ko kill karti hai. To बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. तो ये बैक्टीरियाइडल एक्शन होता है इसका. बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन भी एक अलग चीज होता है, लेकिन आपका जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरियाइडल होता है, मतलब कि ये किल कर देती है बैक्टीरिया को. लेकिन कैसे किल करती है उसको हम समझते हैं. बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस. सेल वॉल की हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है बैक्टीरिया के, जिसको कि हम सेल वॉल बोलते हैं. और ह्यूमन में ये सेल वॉल नहीं होती है. तो ये स्पेसिफिक टारगेट बनता है इन एंटीबायोटिक के थ्रू बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए. अब ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम टारगेट करते हैं. तो यदि हम बात करें बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसमें जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एक्शन करती है, जिससे कि आपका जो है बैक्टीरिया की जो है डेथ हो जाती है और वो लाइक ग्रोथ नहीं कर पाते. तो ये जो सेल वॉल बनी हुई होती है ये आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है. तो ये भी क्वेश्चंस आपको जो है पूछा जा सकता है. ध्यान रखना कि बैक्टीरियल सेल वॉल आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जो कि एक हेट्रोपॉलीमर है. और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 50-100 मॉलिक्यूल थिक होती है ये लेयर, एज कम्पेयर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. फिर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है हेट्रोपॉलीमर है, मतलब कि इसमें दो आपके जो है सुगर मॉलिक्यूल मॉइटी या दो आपके जो पार्ट एड होते हैं, आपका एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी हुई होती है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. अब समझते हैं कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को कैसे ये प्रिवेंट करती है या रोक देती है. जब हम बात करते हैं ये एक्ट करती है स्पेसिफिक ऑन द डी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम. ये डी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस के लास्ट स्टेप में इसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो ये एंजाइम को ही है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है एसाइलेशन के थ्रू, आपका एसाइलेशन रिएक्शन के थ्रू ये ब्लॉक कर देती है डी ट्रांसपेप्टाइडेज के लिए, जो कि आपके इन क्रॉस आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके पार्ट होते हैं उसको क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के लिए और आपका एन एसाइल ग्लूकोसामाइन का जो है क्रॉस लिंकिंग होकर ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन बनाए, उससे पहले लास्ट स्टेप में ही आपका जो पेनिसिलिन होती है, सेफेलोस्पोरिन की भी हम बात करें तो ये क्या कर देती है, इसको आपके इस रिएक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि बैक्टीरियल की सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाती है और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनहिबिट कर देती हैं उसके लास्ट स्टेप को. तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ये बता सकते हो. साथ में आप ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें पेनिसिलिन क्या होती है उनके एंजाइम से बाइंड हो जाती है सेल मेम्ब्रेन में और दैट कॉज द इनहिबिट ऑफ बैक्टीरियल सेल और ऑल्सो दे कॉज द बैक्टीरियोलाइसिस, और जिससे बैक्टीरियल लाइसिस हो जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है. अब हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्यों बोलते हैं, उसमें एक 5 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग होती है और एक और रिंग होती है 6 मेंबर्ड. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फंगस से हमको मिलती है पेनिसिलिन, जिसको कि हम मोल्ड बोलते हैं. मल्टी सेलुलर जो आपकी फंगस को मोल्ड बोला जाता है. 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट पेनिसिलिन है जो डिस्कवर्ड की गई थी. और 1945 में आपका डी हॉकिंस थे, इन्होंने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ था. पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम ये स्पीसीज है जिनसे पेनिसिलिन की सिंथेसिस की जाती है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू भी जो है आपका जो है बोलना चाहिए कि एक स्पीसीज बना ली गई है जिससे कि जिसके थ्रू भी हम जो है पेनिसिलिन के प्रोडक्शन को कर सकते हैं. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए पेनिसिलियम क्राइसोजीनम का यूटिलाइज होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है. ध्यान रखना पेनिसिलियम क्राइसोजीनम. अब जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, स्पोर रिप्रोडक्शन होता है, इनमें स्पोर फॉर्म होते हैं. एक्चुअली जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर पेनिसिलिन का तो इस तरीके से इनमें माइसीलिया होते हैं और यहाँ पर आपके स्पोरेंजिया होता है. इन स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोरेंजिया बस्ट हो जाता है तो ये स्पोर पूरे में फैल जाते हैं और इन्हीं स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इन्हीं से जो है आपकी फंगस ग्रो करने लगती है. तो इन स्पोर्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और इन्हीं स्पोर्स से जो है सेल कल्चर के थ्रू हम बहुत सारे फंगस को डेवलप कर सकते हैं. फर्मेंटेशन के थ्रू, फर्मेंटर के थ्रू हम इस प्रोसेस को डेवलप करते हैं. और आपका जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एक्टिव होती है. इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो आपका
थायोजोलिडिन रिंग होती है इसमें और आपका बीटा लैक्टम रिंग होती है, ये दोनों रिंग कांस्टेंट होती है। ज्यादातर आपके पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है वो एसाइल साइड चेन में होता है। एसाइल साइड चेन में जो चेंज होने के कारण ही इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कि हम अगली क्लास में और आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे, फार्माकोलॉजी और मेडकेम के लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे उनको। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन और एज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।